हेलो फ्रेंड्स, कलरो स्कूल हाल ऑल प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क, फ्रॉम द बुक इट्स सो हैपन। इन आवर वीडियो नंबर 1, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेसन। दोज हु हैडन सीन द वीडियो नंबर 1, they firstly go and watch the video number 1 so that you can understand what is the exact matter in this lesson. Okay, वैलू नाम का एक लड़का जो अपने घर से भागकर चेन्नई रेलवे स्टेशन पे आ जाता है, किस तरीके से वो भूखा दुखी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ था रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहाँ पे एक लड़की आती है जो उसके हालचाल पूछती है और वहाँ से जाती है और उसको बोलती है अगर तुझे कुछ खाना है तो मेरे पीछे आ जाओ, और वो बिना सोचे उसके पीछे भाग जाता है। वो लड़की उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है, वो जा रही है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द पार्ट नंबर 2, आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं। वैलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर वैलू जो है वो भीड़ वाली गलियों में गुजर रही अपनी जो अपनी फ्रेंड है, वो अब उसकी लड़की जो है उसने उसका हाल चाल पूछा तो उसने सोच लिया कि लड़की मेरी दोस्त बन सकती है, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पीछे वो पहुंच जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, और बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन था, कूड़ेदान, जहाँ के बहुत पूरे शहर का कचरा जहाँ पर फेंका जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज बिन। वैलू वंडर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल। वैलू को बहुत वंडर मतलब आश्चर्य होता है कि वाई दे आर देयर एट ऑल, वो यहाँ पे किस लिए आए हैं, वाई दे आर हियर, वो यहाँ पे क्यों आए होंगे, ऐसा उसको सरप्राइज होता है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन। जैसे ही वो लड़की स्टेशन से बाहर निकल रही थी तो वो उससे जाकर मिला। वैन दे गॉट टू द रोड वैलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। जैसे ही वैलू जैसे सड़क पे पहुंचा तो वैलू ने देखा कि जो व्हीकल्स है वो आते हैं लेकिन किसी के लिए रुक नहीं रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू हिम फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से क्या उड़ रहा है, स्नोक बराबर है धुआं और मिट्टी उड़ रही है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसने अपना सर को घुमाते हुए दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड गैप टू रन थ्रू। उसने अपने सिर को उसका सिर चकराने लगा और उससे पहले कि उसको सड़क पार करने के लिए जगह मिल पाती काफ़ी देर उसको रुकना पड़ा। वैलू केप्ट हेजिटेटिंग, द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और वैलू हिचकिचा रहा था और बाद में लड़की जो थी वो उसको खींच कर रोड के दूसरी साइड पे ले जाती है और लड़की उसको वहाँ पे दूसरी तरफ लेके जाती है। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ठीक है अब तुम करना क्या चाहते हो, गेजरिंग काओ, यहाँ पे गाय चराओगे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, अगर तुम इसी तरह से रोड के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। वैलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वैलू का दिल भी अभी तक जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और वो अभी पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देख रहा था जो बहुत ही तेज़, उसका जो सेंट्रल स्टेशन था उसका ट्रैफिक की तरफ देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, ठीक है वो स्टेशन की तरफ जो जिस गति से जो वाहन जो मतलब व्हीकल्स जा रहे थे उसकी तरफ वो देख रहा था। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वैलू लुक अप द पिक्चर, बनियान्स, कार टायर, पेन, वुमन होल्डिंग बॉक्स, द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश शो ही डिडंट नो वॉट इट मीन्ट। अब वैलू ने इतने सारे व्हीकल्स को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, भीड़ के पार आखिर हम कैसे जा पाएंगे वो ऐसा सोच रहा था। कुछ बड़े बड़े जो होर्डिंग बोर्ड थे सड़क के ऊपर वो उसने देखा, बड़े जैसे कि
कार का, टायर का, पेन का, ये सब डिब्बा उसे दिखा और उसके साथ इंग्लिश के अंदर कुछ लिखा था। उसको नहीं पता चला कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। वैलू जो है वो एक गांव से आया हुआ लड़का था और वो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वैलू जो है वो गांव से आया हुआ लड़का था और उसने कभी भी ज़िंदगी में शहर, बड़ा शहर नहीं देखा था। और वो किस तरीके से इस शहर के अंदर सर्वाइव कर पाएगा, दैट ही हिमसेल्फ डिडंट नो, वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए वैलू जो था वो इस तरीके का बिहेव कर रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इसी शहर के अंदर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर के बेचारा एक वैलू जो ट्रैफिक के, उसको रूल्स भी नहीं पता है और उस किस तरीके से वो इसको, इस सिचुएशन को हैंडल करे, उसके लिए वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। और वो वहाँ पे आता है और वो लड़की जो है उसकी हेल्प करती है। द गर्ल टर्न ऑन टू द वाइल्ड ब्रिज एंड वॉक अप, जो लड़की है वो एक बड़े से पुल की तरफ मुड़ जाती है और वो आगे बढ़ रही होती है। वैलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर अ रेलिंग, वैलू वहाँ पे रुक जाता है और लोहे की बाड़ के नीचे वो देखता है। अंडर हिम द रोड रेन इन टू द सिटी, और नीचे देखता है कि नीचे पुल के नीचे एक बहुत बड़ा रोड जो है वो जा रहा होता है। इन द डिस्टेंस ही कोड सी अ ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत दूर से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को, मीनारों को, सड़कों को देख पा रहा था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो चारों तरफ दीवालों से घिरे हुए बड़े बड़े भवन, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग तुम देख रहे हो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बेयर देयर, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो तुम सीधे ही वहाँ क्या गिनने लगोगे, काउंटिंग द बार्स देयर। काउंटिंग द बार्स देयर मतलब सलाखे गिनने लगोगे, जेल के अंदर चले जाओगे। द गर्ल ग्रीम्ड एंड पॉइंटेड अ ह्यूज बिल्डिंग, लड़की जो है वो ग्रीम मतलब मुस्कुराते हुए एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि भाई ऐसा होगा कि तुम जल्दी सलाखे गिनोगे, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो फंस जाओगे कोई बड़े से सिचुएशन में, ख़राब से सिचुएशन में। वैलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, और वैलू जो कहता है, वैलू जो होता है वो कहता है क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया तो मैं क्यों फंसूँगा। तो वैलू जो वैलू जो है वो तिरछी आंखों से, ठीक है, स्क्वेंटेड मतलब कि तिरछी आंखों से देखता है कि तमिल के अंदर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। तो वो घबरा जाता है कि भाई मैं जेल में क्यों जाऊँगा, वाई क्यों, आई हैवन्ट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी ख़राब नहीं किया है तो मैं क्यों जेल में जाऊंगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट कॉट दिस, दैट्स ऑल, पकड़े मत जाना, बस पकड़े मत जाना, इतना समझ लो तुम, कुछ नहीं करोगे तो भी पकड़े जाओगे, तो संभाल के रहना, ठीक है। वो लड़की उसको समझाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये बेचारा गाँव से फर्स्ट टाइम सिटी के अंदर आया हुआ है। What does she mean? वैलू wondered. वैलू एकदम परेशान हो जाता है कि वो लड़की कहना क्या चाहती है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it the station. अब वो बेचारा परेशान हो जाता है। लड़की जो होती है वो अपने कंधे के ऊपर बोरा लटका कर पहले ही पुल के नीचे की तरफ देख रही थी और वो लड़का मतलब जो था वो देखने की कोशिश कर रहा था कि उस बोरी के अंदर क्या है। उसने स्टेशन पे से प्लास्टिक के कप डालते हुए उस लड़की को देखा था उस बोरे के अंदर। तो वो उसको पूछता है, वॉट आर यू कैरिंग इन दिस बैग, इस बैग के अंदर तुम्हारे पास क्या है। थिंग्स बॉटल पेपर, चीज़ें, बॉटल है, पेपर है, ये सब है। वैलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम, वैलू को आश्चर्य लगता है, वंडर्ड मतलब सरप्राइज लगता है कि भाई ये लड़की जो है वो ऐसी चीज़ों का करती क्या होगी। बट ही फेल्ट शाई आस्क मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है इसलिए वो आगे कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो लड़की को कुछ भी पूछता नहीं है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लेस्ड डाउन ऑन द टार एंड वैलूज बियर फीट बर्न, अभी भी सुबह का समय था लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी कि वैलू जो थे वो बेयर फीट मतलब नंगे पैर चल रहा था और उसके पैर अब जलने लगे।
It was not like walking on the mud road. यहाँ तुझे कच्ची सड़क पर जैसे तू चलता है अपने गांव में वैसे नहीं चल पाएगा. He was shocked with a sweat. और वो पसीने से तरबतर हो जाता है. He tried too hard to walk in the shed and keep up with the girl at the same time. और वो छांव में चलने की कोशिश करता है और साथ साथ में उसको ये भी देखना होता है कि वो लड़की के साथ ही वो चले, कहीं उस लड़की से बिछड़ ना जाए तक, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया हुआ था. शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो लड़की बहुत ही फास्ट चल रही थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूरी पे है. उसको बेचारे को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी. अब खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं कब खाऊँगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, एक घंटे कंटिन्यू वो चलता है. दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं. श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू जो है वो धीरे से पढ़ता है. क्या पढ़ता है? राजेश्वरी प्रसन्नम कल्याणम मंडलम, ये सारा जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ता है. अ साइन विद द लेटर्स, बराबर है एक साइन, लेटर्स मतलब लिखे हुए थे, मेड ऑफ द फ्लावर्स, तो वो जो लिखा हुआ था, जो फूलों से बनाया हुआ था, उसमें लिखा था ग्रूम जे वी विनयगन ब्राइड रानी, और वहाँ पे फूलों से, यहाँ किसी की शादी हो रही होगी तो लिखा था कि जे वी विनयगन और दुल्हन, ये दुल्हा था, ठीक है. यहाँ पे ग्रूम, ग्रूम क्या होता है, दुल्हा होता है, ब्राइड क्या होती है, दुल्हन होती है, तो दूल्हे का नाम लिखा था सॉरी जे वी विनयगन और दुल्हन का नाम क्या लिखा था, रानी. वेनु स्टेड एट अ बिग कार पार्क्ड आउटसाइड, वेनू जो है वो बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो गाड़ियों की तरफ स्टेड करता है, मतलब घूर कर देखता है, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था. वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज स्टेप्ड ऑन इट, एक बड़ी बहुत सारी कार थी और एक कार के ऊपर फूलों का हार था जिसके ऊपर गुलाब से कुछ गुलाब चिपकाए गए थे सेल्वर टैप से. द गर्ल लुक्ड अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टिक इन हर हेयर, लड़की जो है उसने यहाँ वहाँ देखा और उसने फूलों में बहुत तेज़ी से खींचा और अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन सी सेड, वो कहती है यहाँ आ जाओ. आर यू गोइंग टू ईट हीयर, तुझे यहाँ खाना, आर वी गोइंग टू ईट हीयर, क्या हम यहाँ कुछ खाना खाने के लिए आए हैं, कुछ हमको खाने मिलेगा, येलू पूछता है, आस्क वैलू. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इन साइड, बहुत बड़े हॉल को और बहुत सारी भीड़ को अंदर जाते हुए देख कर वैलो पूछता है कि उस लड़की को कि क्या हमें यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा, क्या कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पे हमको मिल जाएगी, तो वैलो उसको पूछता है. होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर टॉम अंडर हिज नोज, अब लड़की कहती है हाँ होप, उम्मीद तो है, लड़की अपने नाक के नीचे अपना अंगूठा दबाते हुए कहती है. शी लीड हिम बिहाइंड द हॉल, वो लड़की उसको हॉल के पीछे ले जाती है. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रैबिश, एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन मतलब कचरा सा भरा हुआ कूड़ादान था जिसमें बहुत सारा कचरा था. टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियाँ जो थी वो वहाँ पे खड़ी थी. फ्लैटिंग फॉर अ बनानास लीफ, बनानास जो लीफ थे उसके उसको फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, मतलब ये जो दोनों बकरियाँ थी वो फाइट कर रही थी, लड़ रही थी किसके लिए, बनाना के छिलकों के लिए. अब क्या होता है आगे, अ क्लाउड ऑफ फ्लीज बजल अराउंड डियर लेग्स, उसके पैरों के आसपास बहुत सारी जो मक्खियाँ थी वो उसकी टांगों के आसपास मंडरा रही थी. There was a rotten smell in the air. Air के अंदर बदबू दुर्गंध फैल रही थी. The girl picked up squishy banana and hold it out to Valo. लड़की जो है उसने एक squishy मतलब कि एक मसला हुआ बनाना उठाया और वो वैलू की तरफ उसको देती है. वैलू की तरफ वो मसला हुआ बनाना है जो उसकी तरफ उसको देकर वो कहती है Here's your food. ये तुम्हारा खाना. वैल्यू वॉज शॉक्ड, वैल्यू शॉक्ड हो जाता है. आर यू गोइंग टू ईट डियर लेफ्ट ओवर्स, क्या तुम लोगों का झूठा खाना, हम लोग क्या है जो लोगों का झूठा खाना खाने वाले हैं. शी व्हाट डू यू थिंक आई एम,
वो कहती है, छी तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, अ डॉग, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं वही खाना लेती हूँ उठाती हूँ जो अनटच हो, किसी ने ना खाया हो। हियर सम मोर कैच, यहाँ पे दूसरा कुछ है, ऐसा बोलकर वो कैच कहती है। शी थ्रो हिम वड़ा, और वो उसकी तरफ वड़ा फेंकती है। वैलू लुक एट हिम विद डिस्टेंस, और वैलू वहाँ पे उसकी तरफ एकदम डिस्टैक्ट मतलब उसको पसंद नहीं आता ऐसे एक्सप्रेशन के साथ वो उसकी तरफ देख रहा होता है। यू कैन सी हियर द वैलू, और वो जो लड़की है वो दोनों कूड़ेदान में किस तरीके से खाना कलेक्ट कर रहे हो, और जो दूसरे कुत्ते हैं बकरियाँ हैं वो सब यहाँ पे कूड़ेदान में खड़े हैं, ये सारा पिक्चर आप देख सकते हो। आगे क्या होता है, कम ऑन हीरो ईट इट, वो कहती है आगे बढ़ो हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुझे लगता है कि मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे खाने खरीदने के लिए पैसे है। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, ठीक है। वो उसको क्या समझाती है, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तब तक यही खाना खाने से काम चला लो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो इससे अच्छा खाना तुम खा लेना। वैलू हेजिटेटेड, वैलू को हिचकिचाहट होती है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट के अंदर बहुत दर्द हो रहा था भूख के मारे। ही ग्लम डाउन द बनाना एंड वड़ा, और वो बनाना और वड़ा को एकदम से खा जाता है। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमेंडिएटली, और उसका जो पेट है वो एकदम बेहतर हो जाता है। ही कुड हैव इटन एट लीस्ट 10 times more, और उसने वह कम से कम उससे जो खाना रेगुलर खाता था उससे वो 10 गुना खाना वो अभी खा सकता था, उतनी ज़्यादा भूख लगी थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन लड़की को एक और केला मिला जो लड़की ने खुद ही खा लिया। मतलब ये सिचुएशन के अंदर ये एक शादी का माहौल होता है, वहाँ पे ये जो लड़की है वो उसको लेके जाती है और किस तरीके से उसको खाना देती है उसके बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। लेट्स सी व्हाट अहेड, इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, हम बहुत जल्दी आ गए, उन्होंने लगता है कि अभी ही नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूख है, यू हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें जब तक वो अपना लंच ख़त्म कर ले तब तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम वेट करना चाहो तो कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक अप द कपल ऑफ द बॉटल्स, उसने कुछ बॉटल वहाँ से उठाई फ्रॉम द हीप ऑफ द थ्रो इन टू हर शेक, देन शी वॉक्ड ऑफ, उसने कुछ वहाँ पे ढेर में कचरे के ढेर में जो बॉटलें थी पड़ी हुई उसने उठाई और उसने अपने कूड़े उसने उसने अपने बोरे में डाल दी और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वैलू पैनिक्ड, वैलू जो था वो घबरा गया था। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने सोचा कि अगर लड़की उसको छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे है और उसको कहाँ जाना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और उसके लिए यही अच्छा था कि वो उसके साथ साथ ही रहे। शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड, ही रन आफ्टर हर अगेन, और उसने क्या किया, उसको सारे रास्ते पता थे इसलिए वो दोबारा उसके पीछे भागता है। ए ही कॉल, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसने वो करा ए क्योंकि उसको लड़की का नाम नहीं पता था। या वॉट इज़ योर नेम, वो कहती है ये तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो पीछे उसके पीछे दौड़ते हुए उसको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुक जाती है और मुड़ती है। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इविंग नोइंग माई नेम, जया, वो कहती है अरे तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुमको तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। ठीक है मेरा नाम क्या है, जया है। वो लड़की जो है वो अपना नाम क्या बताती है, जया बताती है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, तो फिर क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिलाया। कैन आई कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट,
चलो तुमको अगर आना हो तो, दिस बैग इज़ फुल, ये बैग तो भरा हुआ है, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है, मुझे दूसरा बैग लाना पड़ेगा, वो लड़की उसको कहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम इस एक्सप्लेनेशन को सेकेंड पार्ट के अंदर, वीडियो के सेकेंड पार्ट के अंदर रखते हैं। रिगार्डिंग दिस एक्सप्लेनेशन, दिस क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन हियर, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, ठीक है। और दूसरे जो क्वेश्चन आंसर है रिगार्डिंग दिस वीडियो, दैट आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। पार्ट नंबर 3 वी विल गोइंग टू डिस्कस पार्ट नंबर 3 इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 3, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन जो है वो लड़की के साथ क्या होता है, जया किस तरीके से उसको रखती है, क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।